क्रिकेटर बना ठग, 60 कंपनियों को लगाया करोड़ों का चूना, धोनी और सीएम के नाम पर करोड़ों की ठगी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बाद अब एफआईआर में हुआ नाम दर्ज। राज्य के सीएम हो या क्रिकेट के धुरंधर, धोनी किसी को नहीं छोड़ा। आंध्र प्रदेश के एक पूर्व रणजी प्लेयर को कथित तौर पर धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस रणजी क्रिकेटर का नाम नागराजू बुदुमुरु बताया जा रहा है। बुदुमुरु के ऊपर 60 कंपनियों से 3 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। 28 वर्षीय बुदुमुरु को करोड़ों की ठगी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि बुदुमुरु ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर इस ठगी को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी नागराजू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी का सलाहकार बनकर ठगी की। द हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नागराजू ने खुद को मुख्यमंत्री का सलाहकार सहयोगी बताकर शहर के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के कर्मचारी को फोन किया और उससे पैसे की मांग की। बुदुमुरु के ऊपर ये भी आरोप है कि उसने अपने पहचान बनाने और राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी के साथ अपने जुड़ाव को साबित करने के लिए जाली दस्तावेज भी बनाए थे। बुदुमुरु ने 60 कंपनियों को चूना लगाया है। कंपनी द्वारा आरोपी को 12 लाख रुपए ट्रांसफंड किए जाने के बाद पूर्व क्रिकेटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। साइबर क्राइम के डीएसपी डॉक्टर बाल सिंह राजपूत ने हिंदुस्तान टाइम्स से बताया, शिकायत मिलने के बाद उनकी टीम ने पैसे को ट्रैक करना शुरू किया, जिसके बाद मनी ट्रेल ने नागराजू बुदुमुरु की ओर इशारा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नागराजू को उसके गृह जनपद श्री काकुलम के यारीपेटा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नागराजू ने 60 कंपनियों से करीब 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने आरोपियों से अब तक कुल 7.6 लाख रुपए बरामद भी कर लिए। गिरफ्तारी के बाद अब नागराजू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसने बताया कि ये काम उसने बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। नागराजू ने बताया कि आंध्र प्रदेश के एक राजनीतिक पार्टी के नेता ने उससे 15 लाख रुपए की मांग की थी और फिर उसका क्रिकेट करियर तबाह हो गया। बताते चले, पूर्व क्रिकेटर नागराजू बुदुमुरु साल 2014 से 2016 तक आंध्र प्रदेश की रणजी टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। इसके अलावा उसे एक बार इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने भी अपनी टीम का हिस्सा बनाया था। बुदुमुरु ने एमबीए किया है। इसके अलावा एक बल्लेबाज के रूप में नेट सत्र में सबसे लंबा समय व्यतीत करने के लिए 2016 में बुदुमुरु ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था, लेकिन अब उनका नाम एफआईआर में भी दर्ज हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।